महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्हासनगर। उल्हासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती है बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड विजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्हासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टेक्ट अस ऑन टाउन दर्शन न्यूज। समाचार ही नहीं, विचार भी। उल्हासनगर में दुकानदारों के बीच प्रतिस्पर्धा बड़ी बात नहीं। प्रतिस्पर्धा के चक्कर में दुकानदार सामान का भाव कम कर देते हैं। अब ठेले वालों में भी धंधे में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती जा रही है। ऐसी एक घटना में एक पानीपुरी वाले ने दूसरे पानीपुरी वाले को पीट दिया। दरअसल कैंप नंबर 2 नेहरू चौक से सिरू चौक के बीच घूम घूम कर श्रवण गुप्ता पानीपुरी बेचने का काम काफी वर्षों से करता है। बाजार में कुछ समय से सोनू गुप्ता पानीपुरी बेचता है। उसने श्रवण गुप्ता को बाजार में आने से मना किया। श्रवण गुप्ता ने उसकी बात मानने से इनकार किया तो सोनू गुप्ता ने श्रवण गुप्ता को पीट दिया। इस बात की सूचना श्रवण गुप्ता ने उल्हासनगर पुलिस को देने की बात कही है। मैं पानीपुरी का गाड़ी लगा रहा था। आज 7-8 साल से नेहरू चौक से श्री चौक चलता फिरता धंधा करता था और आज मेरे को गाली बिली देता था 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले से। आज मेरे को इतना मार मारा, मुंह हाथ सब फोड़ दिया मार के। किसने मारा आपको? सोनू गुप्ता। मारने का कारण क्या है? मारने का कारण है कि हमारे इधर श्री चौक से नेहरू चौक बीच में धंधा नहीं लगा। उसका पानीपुरी का गाड़ी है 3 चक्का वाला, हमें घूम के धंधा करता था। मैं वो जगह बना के करता साइड, एक साइड में। झगड़ा किस कारण हुआ? झगड़ा हुआ कि क्यों तू इधर लगाता, क्यों आता इधर? तो आना जाके बाजार छोड़ के बाहर लगा जाके। आज मेरे को बहुत मार मारा, पूरा गाड़ी बीड़ी मेरा छोड़ दिया होता। आज बहुत मारा, इतना मारा, पुलिस चौकी में जाके कंप्लेंट किया उसके नाम पे, सोनू गुप्ता। आज 8-9 साल से हम लोग का गजानन मार्केट से लेके श्री चौक तक घूम फिर कर धंधा करते थे पानीपुरी का। पानीपुरी का धंधा करते हुए हमारे वहाँ पे सोनू काशीनाथ गुप्ता जी का गुप्ता ने उन्होंने बोला यहाँ पे नहीं लगाओ। तो मैंने उनको बोला सर देखो ये तो मार्केट एरिया है, कोई भी लगा सकता है गाड़ी वगैरह और कोई भी रोड पे धंधा कर सकता है और ये किसी का रोड ही नहीं, किसी का जगह भी नहीं है। तूने ने बोला नहीं ये मार्केट छोड़कर तुम कहीं भी मार्केट में लगाओ। इसके पहले धमकी वगैरह दिया। उसके बाद हम लोग एक ही चीज़ उसको बोलते थे देखो भाई तुम्हारी जगह नहीं है और न तुम्हारा ये है, इधर मार्केट में हजारों दुकानें हैं, हजारों मार्केट है, यहाँ पे तुम कोई भी धंधा कर सकता है। आपका पानीपुरी का है, मैं आपके बाजू में लगाऊँ तो गलत है या मैं आपके पास में लगाऊँ? मैं इधर हूँ, कल उधर हूँ, कल उधर हूँ, कल उधर हूँ। सर उसका पानीपुरी का धंधा है, 1-2 बार हम लोग को बोला, हम लोग उसको बार बार एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट कर रहे थे आपका आइटम जो है आप अपना बेचो, मैं अपना बेचूं, और ये मार्केट में किसी का रोकने का अधिकार नहीं है। आज उसने मेरे चाचा जी श्रवण गुलाब गुप्ता जी को अकेले में पाया, कड़ा पहना हुआ था, कड़ा से रहम में इतनी से मारा हुआ है इधर पे और इधर पे। आप ये रिकॉर्ड वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में भी आपको मिल सकती है कि इसमें गलती किसकी है और विदाउट गलती किसकी है। वो रेमी से मारा हुआ है, वो हाथ गाड़ी जैसा लेके जा रहे थे, वो छोड़ दिए होते तो कितने भी गाड़ियों की नुकसान होती, कितना भी कारों की नुकसान होती। मैं आप लोग से और प्रशासन से यही विनती चाहता हूँ कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जय श्री राम। आइए राम जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर के साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम की यात्रा कर रहे हैं। जय बालाजी पैकेज टूर्स और यात्रा लाए हैं एक शानदार ट्रिप 21 अगस्त से 25 अगस्त तक, जिसमें ट्रेन सफर होगा 3 टायर AC में और रहने के लिए दिए जाएंगे AC रूम्स और साथ ही साथ तीनों टाइम खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, और ट्रेवल के लिए होगी AC बस केवल 12,200 रुपए में। जल्द ही बुकिंग करें, केवल 144 लोगों के लिए ही जगह बाकी है।